जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करते हैं हम इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। ऑप्शन में कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पे, अगरबत्ती की सुगंध। इसमें जो पदार्थ बोला जाता है, जो स्थान घेरता है, जो जगह को घेरता है और जिसका आयतन होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो इसमें होगा आपको कुर्सी सही आंसर होगा एक नंबर में, नंबर टू में वायु भी होगा, ये स्नेह हमारा नहीं होगा, गंध नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा, बादाम होगा, विचार ये नहीं होगा, शीत होगा और शीतल पेय भी होगा, अगरबत्ती की सुगंध नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों, क्या ऐसे कारण है। ठीक है, तो विसरण की दर कह रहा है कि विसरण की दर तापमान के साथ वृद्धि होती है, मतलब विसरण की दर जो फैलने की जो दर है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसे क्या फैल जाता है, कर जो गैस में सर्वाधिक पाया जाता है, जो गैसों में क्या अधिक पाया जाता है, कर गर्मा गर्म भोजन के कण वायु कणों के साथ मिल जाते हैं, मतलब गर्मा गर्म भोजन के जो कण है हवा के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की गंध हमारे पास पहुँच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए क्या हमको उसके पास जाना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो विसरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ के कौन से गुण प्रेषित होता है। तो कह रहे स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसका तात्पर्य यह होता है, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, मतलब पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, क्योंकि क्या ऐसी परिस्थिति में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि पदार्थ के कणों के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, कौन कौन विशेषताएं होती हैं। तो एक में कह रहे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि पदार्थ के कण क्या लगातार कार्य करते रहते हैं। ठीक है, नंबर टू में कह रहा है उसका विशेषता में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कह रहे पदार्थ के कणों के बीच क्या खाली स्थान पाया जाता है, देखने में तो पता नहीं चलता लेकिन पाया जाता है। नंबर थर्ड है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, मतलब पदार्थ के जो कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। धन्यवाद।